सो है फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो है फ्रेंड्स, अभी सुबह के बच्चों के साथ ये देखो फ्रेंड्स दिखा आपको दिख रहा होगा घड़ी में, क्योंकि आपको पता मेरी घड़ी छोटी खराब है इसलिए मैं ऊपर आ गई हूँ छत पे। बहुत दिनों के बाद आज मैं सुबह सुबह ऊपर छत पे आई हूँ, बहुत टाइम बाद। पौधों को पानी देना था, ये देखो फ्रेंड्स ये पौधों को पानी देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखे हैं। और मैंने आती हूँ पानी देने लेकिन लेट हो जाती हूँ। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई क्योंकि मुझे ब्लॉग तो मैंने एडिट कर लिया था लेकिन अभी अपलोड नहीं किया था यूट्यूब पे, क्योंकि वो सुबह फिर जल्दी उठी और फिर अब कर दिया मैंने। अब बाकी मैं ऊपर पानी देने आ गई और चाय लेके आ गई साथ में अपनी। चाय ये रही, वो दिखाती हूँ कि पौधों की हालत कैसी हो रखी है। पौधों की हालत तो बुरी हो रखी है। ये देखो छोटे छोटे बैंगन, एक ये रहा एक ये रहा, कितने तो तोड़ लिए मैंने, बाकी ये तो फूल है। ये देखो कैसी हालत हो रखी, ऐसा लग रहा है कि बेचारे पानी नहीं दिया, लेकिन ऐसे ठीक है ये, अगर आप पानी दूंगी ना तो सही हो जाएंगे। सबको दे देती एक एक करके। ये देखो पानी नहीं है, सूख गया। तो मम्मी स्पेशल बोल के गए थे कि पानी दे आइए ऊपर जाके, और मैं पानी भी दे देती हूँ चाय भी पी लेती हूँ। और भाई भाभी तो और गुड़िया तो नीचे है, गुड़िया को नीचे ले आया था भाई, सुबह उठ गई थी ना वो, इस करके। मम्मी और पार्क गए। पानी तो दे दिया मैंने पौधों को, और मेरे को लग रहा है कि बहुत टाइम लगाना पड़ेगा मेरे को ऊपर, क्योंकि पौधों की हालत बुरी हो रखी है। कहने मतलब कटिंग करने वाली हो रही है ना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पौधे बहुत ज़्यादा है। आपको दिखाती मैंने कितने सारे पौधे निकाले आज, ये देखो इतने सारे पौधे निकाले। और अभी भी बहुत सिस्टम बेकार है, बहुत ज़्यादा पौधे ठीक करने वाले हो, मेरे को टाइम लगाना पड़ेगा ऊपर, और सारे पौधे ठीक करने पड़ेंगे और सही जगह पे लगाने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा खिलारा हो रखा है। मैंने कितने दिन से फिर टाइम नहीं दे पा रही थी, बस मम्मी आ जाते थे छत पे वो दे देते पानी, कभी मैं आ जाती थी तो लेट आती थी तो पानी दे जाती है, क्योंकि धूप हो रही है ना तो उसमें मैं काम नहीं कर सकती। तो अब देख लगाना ही पड़ेगा टाइम। ऊपर वाला वो भी सूख गया है, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो फिर नीचे चलते, धूप बहुत तेज होगी। सर मेरा सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा सफाई नहाना सब काम हो गया है। बाकी मम्मी भी नहा लिए हैं, रोटी खा ली है, और मम्मी सो गए। सो नहीं गए, लेटे। भाई दे जाना है, वो थोड़ा लेट जा रहा है। बाकी मैं खाना खा लेती हूँ, पता नहीं क्या बना, गोभी आलू बनी है। मम्मी बोल रही है, मैं नहीं बोल रही, ले लेती हूँ पहले, भूख लग रही है। खाना तो आ गया है मेरा, गोभी है लेकिन मैंने गोभी थोड़ी कर दी, मुझे याद आ गया। मुझे तो घी वाली रोटी खानी है, खा लेते फ्रेंड, ठंडी हो जाएगी, मैं गर्म करके लाएंगी। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा बहुत सामान लेना है, सामान लेंगे। अब 5-10 रुपए की बात नहीं, टाइम पे चीज़ कस्टमर। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं और दूसरा सामान लेने हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सामान तो ले लिया है, क्योंकि कुछ सामान तो मिल गया कुछ सामान नहीं मिला। तो मम्मी ने शिव पुराण पढ़ी थी तो उसका ज्ञापन करना पड़ता है, तो उसके लिए ले रहे हैं सामान। और बाकी कुछ सामान और लेना है अलग से, वो भी ले लिया है। तो अब हम जा रहे हैं घर, सीधे ही मिलेंगे अब घर पे। अभी भी बाकी सामान जो मेन है फल मिठाई वगैरह वो बाद में जिस दिन करना है उसी दिन ले लेंगे, अभी तो मेन सामान ले लिया हमने। तो बाकी देखो आपको जैसे दिखाया मम्मी ने मशीन लगाई थी, बाकी मैंने सारा ठीक कर दिया, मशीन बंद कर दिया, और कपड़े भी ठीक तरह से लगा दिया टायर। बाकी अभी रसोई भी ठीक करनी है, अभी ज़्यादातर ठीक कर दिया मैंने। देखो अभी तो खिलारा पड़ा है, अभी सारा मुझे ही ठीक करना है, क्योंकि भाभी सिर्फ रोटी बना के छत पे चले गए, और दूध भी मैंने पका दिया है। अभी मुझे झाड़ू भी करना है, अभी पोछा करना है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, जो ये मेरा ब्लॉग है ये पिछले ब्लॉग से कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि नहीं किया कल मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, ब्लॉग नहीं कर पाई, तो इस करके मेरा ये वाला और पिछला वाला ब्लॉग का इकट्ठा ही ब्लॉग होगा, एक ही दिन का ब्लॉग होगा। पहले तो मैं झाड़ू मारूंगी, फिर ये सोच रही हूँ पहले रोटी खा लेती हूँ, फिर सारा ठीक तो कर दिया मैंने, फिर उसके बाद झाड़ू झूड़ू कर देती हूँ, पोछा मार देती हूँ। पोछा तो पानी तो चला गया, बाकी देखिए रोटी तो मैं ले आई हूँ, शक्कर वाली रोटी, घी और शक्कर वाली रोटी। आजकल मैं यही खा रही हूँ घी, क्योंकि मैं ऐसे घी तो खा नहीं सकती, बस इसी ऐसे ही खा सकती हूँ, क्योंकि बाकी और घी नहीं खा सकती मैं, तो इसलिए खाना पड़ रहा है ऐसे। तो फ्रेंड्स अभी मैं आई हूँ चारू को लेने, तो मैं चारू को लेने आई हुई हूँ स्कूल में और फिर मैं जाऊँगी दीदी और के घर, मतलब चारू के घर जाऊँगी क्योंकि उन्होंने कंजका की हुई है ना, तो गुड़िया के लिए निकाल ली है कंजका, तो लेके आनी है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, दीदी कह रहे साथ ही चारू को ले, फिर इसमें चारू को लेने तो वेट कर रही, स्कूल के बाहर वेट कर रही, आ जाइए। और ये देखो भाई साहब जी ने दो काम खराब कर दिए, एक ये तोड़ दिया और देखो एक ये तोड़ दिया एक्टिवा के, ये तोड़ दिया। और मेरा मूड खराब क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ता है जब ऐसे कोई तोड़, मतलब क्रिएटर पे जो ऐसे कुछ होता है मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ता है, तोड़ता है हमेशा, ऐसे करता है चीज़ें, कुछ नहीं बोल सकते, बोलता तो ठीक करा दूँगा, कराना कौन है। चारू को तो ले लिया हमने, ये नहीं चारू आज इसके फास्ट खत्म हो गए, आज लास्ट नवरात्रा था है ना, रख लिया ना कंजका और चलते इसके घर। सुबह 9:30 बजे आएंगे, चलो कोई नहीं घर चलते, घर जाके मिलते सीधा। चारू और के घर से तो आ गई हूँ क्योंकि मैं इसलिए गई थी क्योंकि मैंने गुड़िया के लिए जो कंजका दीदी ने का प्रसाद रखा था तो वो लेने गई थी, तो बस लिया और आ गई घर में और खा भी लिया। भाभी जी ने खाया, थोड़ा सा मैंने खाया क्योंकि गुड़िया तो खा नहीं सकती अभी, फिर हमने ही खा लिया। खीर भेजी थी, हलवा था, पूरी थी और छोले थे स्वाते, और खाना खा लिया हमने। कोड़नी के क्योंकि लाइट गई हुई है, अभी भी लाइट गई हुई है, भाई तो सो रहा गर्मी में, नीचे गुड़िया है गर्मी में, भाभी जी बस पक्का कर रहे हैं अखबार से, मम्मी जी भी आ गए हैं, देखो आपको दिखा देती, देखो पक्का बंद पड़ा है। मैं छत पे आ गई हूँ, भाई क्योंकि छत पे ऊपर ही सो रहा था, तो लाइट तो गई भी है, ये करके अब मैं तो आ गई छत पे, थोड़ी हवा तो चल रही है। ये दो इकट्ठे करके एक ब्लॉग बनेगा क्योंकि आजकल मैं ब्लॉग में आपको जैसे बता रखा है कि कुछ खास कर नहीं पा रही क्योंकि टाइम ही नहीं लग रहा, तो इसके करके। और इस बार ये तो मेला लग नहीं रहा क्योंकि हमारे यहाँ पर रावण ही नहीं बन रहा, पिछली बार भी नहीं बना था ना इस बार ही बना, क्योंकि आपको पता है कोरोना करके सख्त आई थी, तो इस करके इस बार भी परमिशन नहीं है, इस बार बनाने कई जगहों पे जहाँ बना हुआ है, तो यहाँ तो बना नहीं, हमारे यहाँ आसपास ना झूले लगे हुए हैं पास में ही है, तो वो आएंगे दीदी और कल आएंगे तो सारे जाएंगे, तो आपको ज़रूर दिखाएंगे सही से। अभी तो मैं वीडियो में वैसे ही बस आते जाते दिखा देती हूँ आपको। फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं रात के 9 और आज मैं बहुत ज़्यादा थकी क्योंकि आज मैं 2 घंटे घूमी हूँ, पार्क में गई थी 7 बजे और 9 बजे आई हूँ, और घूमते 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 थकी। बस आज रोटी प्राजबिन की सब्जी खाने में और रोटी, भूख लगी थी फटाफट खा लेती हूँ। पहले मम्मी कह रही खीरा भी ले, खीरा मैं कोई ला के देगा तो खा लेती हूँ, नहीं तो नहीं खाऊंगी। और मम्मी देख रही है जैसे आपको पता है टीवी, म्यूट कर रखा भी। खाना तो खा लिया मैंने, तो मम्मी को बोल दिया कि दूध गर्म करके दे दो मुझे, तो मम्मी दूध गर्म कर रहे हैं मेरे लिए रसोई में। और बाकी मैं इस ब्लॉग का साथ ही एंड कर देती हूँ। तो है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दे करो यार, और पूरा देखा करो यार ब्लॉग प्लीज़। और ये चीज़ मैं लास्ट में बोलती थी तो हम पूरा नहीं देखती हूँ, तो ये सुनते कैसे होगी मुझे नहीं पता। तो बाकी फ्रेंड्स, बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दे करो, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके कर दो यार, प्लीज़ सपोर्ट कर दो। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। तो ये हो रहा है दूध गर्म।